दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेमन चूस कैंडी के इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुष्मिता सेन और महेश भट्ट से जुड़ा हुआ एक किस्सा। सुष्मिता सेन ने खुलासा किया कि जब महेश भट्ट ने मीडिया और प्रोडक्शन के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से उन पर हमला किया था। सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाई। दरअसल हाल ही में वेब सीरीज आर्या में नजर आने वाली एक्ट्रेस ने महेश भट्ट की 1996 की थ्रिलर दस्तक से डेब्यू किया था। हाल ही में ट्विंकल खन्ना के साथ ट्विक इंडियाज द आइकॉन के लिए बातचीत में सुष्मिता ने उस समय को याद किया जब महेश भट्ट ने मीडिया और प्रोडक्शन के लोगों के सामने उनका अपमान किया था। यदि ऐसा नहीं होता, सुष्मिता सेन यह भी बताती हैं कि वह महेश भट्ट को एक शानदार निर्देशक क्यों कहती हैं। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि महेश भट्ट ने शादी के बाद इस्लाम को अपना लिया था। वो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं या मुस्लिम धर्म को। फिल्मों में अपने बड़े ब्रेक के बारे में बात करते हुए सुष्मिता कहती हैं, मैं LA में थी जब मैं अपने परिवार से मिलने भारत आई थी और मुझे श्री महेश भट्ट के कार्यालय से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं महेश भट्ट बोल रहा हूँ और मैं सोच रही थी कि किसी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बुलाया तो, और उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि हम सिर्फ एक कप कॉफ़ी के लिए मिलते हैं। हम मिले और उन्होंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक फ़िल्म में सुष्मिता सेन का किरदार निभाएं। तो मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा, मेरे पास एक विचार है कि मैं इसे एक स्टॉकर और मिस यूनिवर्स की कहानी को बनाना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि लेकिन मैंने स्कूल में भी कभी थिएटर नहीं किया है और मैं अभिनय के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा कि तुम एक शानदार अभिनेत्री हो? मैंने कहा कि मैं एक शानदार निर्देशक हूँ, तुम बस आ जाओ। मुझे उस आत्मविश्वास से प्यार था जिसके साथ उन्होंने मुझे बताया, तो तुम मिस यूनिवर्स हो, एलिगेंट बनो, अपने आप से व्यवहार करो, धीरे से बोलो। तुम्हें पता है मैं यह मुहूर्त शॉर्ट कर रहा हूँ जहाँ मैं अपनी कान की बाली निकालती हूँ और मैं इसे किसी पर फेंकती हूँ, और मैं इसे बहुत बुरी तरह से कर रही थी। मैं आपको ये बता भी नहीं सकती हूँ। बाद में इस बारे में बात करते हुए कि कैसे मनमौजी निर्देशक ने अवरोधों को तोड़ा और उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया। आगे सुष्मिता सेन कहती हैं कि हाँ, वह एक शानदार निर्देशक हैं क्योंकि उन्होंने 40 मीडिया वालों के सामने मेरा अवरोध तोड़ा और 20 प्रोडक्शन के लोग मुझ पर सार्वजनिक रूप से हमला कर रहे थे। मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभिनय नहीं कर सकती, आपने मुझे इसके लिए क्यों बुलाया मुझे नहीं पता। इस यूनिवर्स को कैमरे पर इस तरह से प्ले करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सेट के बाहर चलने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैंने बस उसे पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो, और मैं दूर चल रही थी। उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह गुस्सा है, यही मुझे अपने सीन में चाहिए, वापस जाओ और दे दो। और फिर मैंने ये किया, मतलब मुझे एक कट मिला क्योंकि मैंने कान की बाली को इतनी ज़ोर से फेंका था। मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता जीतने वाली सुष्मिता ने 1996 में महेश भट्ट की फिल्म दस्तक के साथ अपनी शुरुआत की। तब से उन्होंने बीवी नंबर वन, फिजा, आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में उन्होंने आर्या के साथ वापसी की और कुछ समय पहले इस वेब सीरीज़ का दूसरा सीज़न भी आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।